दोस्तों, दूसरे टेस्ट में अब्दुल्ला शफीक ने जड़ा दोहरा शतक। 96 गेंदों में खेली नाबाद 200 रनों की पारी। तो क्या है पूरी खबर की जानकारी बताएंगे सब कुछ इस वीडियो में। उससे पहले अगर आप पाकिस्तान टीम के जबड़ा फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, कोलंबो क्रिकेट ग्राउंड पर खेले जा रहे पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच दूसरे टेस्ट मैच के पहली पारी में पाकिस्तान टीम के धाकड़ ओपनर बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक ने अपनी खौफनाक बल्लेबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए श्रीलंका के खिलाफ दोहरा शतक जड़कर एक नया इतिहास रच डाला। दरअसल दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए महज 166 रन पर पूरी श्रीलंका की टीम ढेर हो गई थी। उसके बाद पाकिस्तान की टीम बल्लेबाजी के लिए मैदान पर आई। दोस्तों, मैच शुरू हुए 2 ओवर ही बीते थे कि तीसरे ओवर में पाकिस्तान टीम को इमामुल हक के रूप में पहला झटका लगा। हालांकि नंबर 3 पर आए एहसान मसूद ने आउट होने से पहले 51 रनों की शानदार पारी खेली। वहीं एहसान मसूद के आउट होने के बाद क्रीज पर आए कप्तान बाबर आजम, जो एक बार फिर अपने क्रिकेट फैंस को निराश किया और महज 39 रन के निजी स्कोर पर जयसूर्या की गेंद पर LBW आउट हो गए। इसके बाद नंबर 5 पर बल्लेबाजी के लिए आए साउथ शकील, जिन्होंने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए 110 गेंदों में 6 चौकों की मदद से 57 रन बनाए। वहीं अब्दुल्ला शफीक और साउथ शकील ने मिलकर पाकिस्तान टीम का स्कोर 300 रनों के पार पहुँचा दिया था। लेकिन जब साउथ शकील 57 रन के निजी स्कोर पर थे, तभी फर्नांडो ने उन्हें LBW आउट कर दिया। इसके बाद सलमान आगा बल्लेबाजी करने के लिए आए और उन्होंने अब्दुल्ला शफीक का साथ देते हुए अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। वहीं एक छोर से बल्लेबाजी कर रहे ओपनर बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक, जिन्होंने महज 322 गेंदों में अपना दोहरा शतक पूरा किया। इस दौरान अब्दुल्ला शफीक के बल्ले से 19 चौका तो वहीं 4 शानदार छक्के निकले। तो दोस्तों, अब्दुल्ला शफीक के इस शानदार दोहरे शतकीय पारी को आप 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और क्रिकेट के ऐसे ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।